दोस्तों गणेश चतुर्थी में अक्सर हम लड्डू या फिर मोदक एज अ प्रसाद बनाते हैं, इसलिए आज हम बनाने वाले हैं ऐसी स्पेशल रेसिपी जो हम कोई भी ओकेजन में बहुत ही इजीली एंड क्विकली बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बनाना हमारा बहुत ही स्वादिष्ट चोको मोको लड्डू। चोको मोको लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/4 कप मिल्क मेड, 7 to 8 चॉप्ड बादाम एंड काजू, 1 टीस्पून घी, 1/4 कप मिल्क एंड 1 कप कसा हुआ नारियल। अब सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे घी, देन डालेंगे चॉप बादाम एंड काजू, थोड़ा मिक्स करके हम डालेंगे कसा हुआ नारियल, अब डालेंगे मिल्क पाउडर, कोको पाउडर एंड कंडेंस मिल्क। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क। हम इसे तब तक मिलाएंगे जब तक हमारा मिश्रण थिक ना हो जाए, बिकॉज हमें इसे देना है गोल शेप। अब हमारा मिश्रण थिक हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे एंड थोड़ा ठंडा होने देंगे एंड अब इसे ऐसा गोल शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे कोई और शेप भी दे सकते हैं, बट लड्डू का शेप मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने इसे लड्डू का शेप ही दिया है। अब हम हमारे लड्डू को किसे हुए नारियल में रोल कर लेंगे, जिससे हमारे लड्डू का टेस्ट, आउटर कवरिंग एंड आउटर लुक बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे लड्डू लुक वाइज तो बहुत ही बढ़िया बने हैं एंड अगर टेस्ट करना हो तो अपने घर पे ज़रूर बनाइए एंड अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स को खिलाइए। एंड आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक ऐसी नई हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल द टाइम ट्राई हेल्दी, हैव हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।